न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਰੈਸਟ ਹੋਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 350 ਨਰਸਾਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਈਕਿਊ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁੱਜਣ। अवतार इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर लुईस क्यूमिंग अनुसार उन्होंने नर्सा के वीजे लगवाए हुए हैं। टिकटों का प्रबंध भी हो चुका है पर एमआईक्यू विच थां ना मिलने कारण नर्सा न्यूजीलैंड नहीं पुज रही। न्यूजीलैंड भर के रेस्ट होम वालों लई एक चिंता का विषय है। उन्होंने रोजाना इसलिए रेस्ट होम वालों तो कॉल भी आ रही ने। उन्होंने भी दसिया कि कई रेस्ट होम वाले तो हैल्थ मिनिस्ट्री सैक्शन 31 का नोटिस भी भेज चुके हैं क्योंकि नर्सा ना होने कारण रजिस्टर्ड नर्सा का काम सीनियर हैल्थ केयर वर्कर करने मजबूर ने। हैल्थ एंड केयर संबंधी एक वड्डा रिस्क है और सरकार की अणगहली कारण अजिहा हो रहा है। क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर लई रखी गई विशेष एमआईक्यू ना वरतों में होने कारण इन्हों नर्सा लई ओ थावां दित्ते जाण दी भी मांग की गई है पर सरकार बहानिया तो इलावा कुछ नहीं कर रही। हुण इन्हां रेस्ट होम वालियां नूं इह वी चिंता है कि क्योंकि रजिस्टर्ड नर्सा की मांग पूरी दुनिया विच है अते हुण कैनेडा ते यूके भी इन्हां नर्सा नूं अपने वल खिंचण की कोशिश विच ने। जे इन्हां नर्सा नूं एमआईक्यू विच थां नहीं मिलदी तां इह जाहिर तौर ते इन्हां देशां वल ही रुख करनगियां। ब्यूरो रिपोर्ट, एनजेड पंजाबी न्यूज़।